to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Hey, just love that. हेलो एवरीवन, इट्स मी रस्लैक क्रूज, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू चैनल। गाइस, आज का जो व्लॉग होने जा रहा है हमारा जिम के ऊपर होने जा रहा है। जैसे कि पहले मैं जिम में जाता था तो 25-25 केजी के डंबल इजिली मार देता था, लेकिन वो 2-2.5 साल पुरानी बात थी। तो हम आज जिम में जाके यही चीज़ चेक करेंगे। वैसे तो उस टाइम पर मैं प्रॉपर डाइट ले रहा था और हर चीज़, मतलब सप्लीमेंट भी ले रहा था ना, तो इस चीज़ को आज हम टेस्ट करने वाले हैं। नॉर्मली जैसे तुम्हें तो पता ही है मिडिल क्लास फैमिली में क्या मिलता है रेगुलर, तो चेक क्यों ना मैं जाके आज अपनी स्ट्रेंथ को चेक करूँ। सो स्टे कंटिन्यू। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हंग जिम में। इतने भी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। जैसे कि मेरे साथ श्याम है। श्याम तू क्या मारेगा आज? शोल्डर। तू वर्मा? फोर आर्म्स। हम तो मिक्स ही मारेंगे, देखते हैं हम क्या मारते हैं। तो इससे कंटिन्यू हम आ चुके हैं फाइनल जिम में। ये जिम के ऑनर हैं जो कि सर है हमारे, और ये बता देंगे मैं कितना जिम में आता हूँ और कितने बंदे आते हैं। बंदे जिम में बहुत आते हैं, मगर ये बहुत लेट आए, बहुत दिनों के बाद आए। ये दिनों नहीं, सालों बाद ही। सालों बाद? हाँ, आप अच्छा। आपके हिसाब से दिनों आप कहाँ थे इतने दिनों से? वो ब्लॉगिंग पे फोकस था, थोड़ा सा जॉब के चक्कर में ही। अच्छा अच्छा, अभी चलते हैं, हम एक्सरसाइज लगाते हैं। सो स्टे कंटिन्यू। तो गाइस जैसे कि करते हैं हम वार्म अप, और टाइम देख सकते हैं आप 8:30 होने वाले हैं, और अभी हम वार्म अप स्टार्ट करते हैं। और 8:30 बजे भी बंदे इतने हो जाएंगे, तो अभी कंटिन्यू रहो, वार्म अप करते हैं। पुशअप देखे होंगे, काफ़ी अच्छा स्कोर रहा हम दोनों का। वैसे इसने ज़्यादा अच्छे मारे हैं, क्योंकि डेली जिम आता है ये, कोई नहीं, हम काफ़ी साल बाद भी आए हैं। तो देखते हैं अपनी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, तो अभी कंटिन्यू रहो। तो गाइस जैसे कि आप ये वेट देख सकते हो, इसमें मैंने फुल भी मारा हुआ है, कोई नहीं, अभी हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंटिन्यू रहो। सेकेंड सेट में हमने वेट इंक्रीज कराया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये वेट भी काफी है जो कि हम लगा के देखने वाले हैं। जो कि मैंने इसमें 70 किलो लगा दिया, वो भी 3rd rep में, जो कि मेरे लिए काफी बड़ी बात है। और अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। सो स्टे कंटिन्यू। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं 25-25 केजी के हैं डंबल, जो कि अगर ये लग गए मुझसे तो बहुत बड़ी बात है। तो स्टे कंटिन्यू। ये लगा रहा है 25-25 के डंबल, जो कि मैंने भी पहले बहुत आराम से मारे हुए हैं, पर जिम लाने का सर है। और ये जो है 20-20 के डंपल है, ये ट्राई करता हूँ मैं, क्योंकि ये लग गया तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस मैं हर एक चीज़ की एक्सरसाइज नहीं दिखा सकता, मतलब 3-3 रैप दिखाऊंगा तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मेन एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ। कभी आप सोचो कि इसने ये तो दिखाया नहीं, वो तो दिखाया नहीं, तो अभी कंटिन्यू रहो, समझ जाओगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं बटरफ्लाई में हम 40 किलो वजन लगा रहे हैं, जो कि काफ़ी साल बाद लगा रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है अगर लग गया तो। ये ये हमारी चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज होने जा रही है, केबल क्रॉस। दो से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ये भी बहुत है। गाइस हम बाइसेप्स में 45 किलो मारने वाले, जो कि बहुत ज़्यादा है। Yeah, I'm going to
इसमें 45 किलो वजन मारना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और काफ़ी दिनों बाद जैसे मैं आया हूँ। मेरा माइक भी डाउन हो गया है तो शायद आपको आवाज़ इसलिए क्लियर ना रही हो, पीछे म्यूजिक चल रहा है तो मार रहा है नितिन। नितिन कितना वेट है ये? सेम ही है? सेम नहीं है ये? सेम ही है। सेम ही है, कम है ये ना? 40 है ये? चीटिंग कर रहा हमारे साथ। ये तो रेगुलर आ रहा है, तो अच्छे से इजली निकाल ही देगा। देखना तो छोटू भाई जैसे को और हम जैसे वो देखना पड़ेगा ना, है ना? अच्छा मार रहा है बेटी। तुम्हें बहुत सारी चीज़ तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा व्लॉग, एक एक एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है? तो 10 के जी के डंपल है जो कि हम लगाने वाले हैं। सबसे टफ एक्सरसाइज मुझे ये लगती है बाइसेप्स में और काफी मजा भी आता है। गाइस नितिन हमारे साथ पोजिंग करने के लिए बोल रहा है, जैसे कि रेगुलर जिम आ रहा है, उसकी डाइट भी ठीक चल रही है तो हम करके देखते हैं। हमारे बाइसेप्स उसे कम तो है, एक सच बताना किसका ठीक है? वैसे मेरे पे ज़्यादा फैट है, थोड़ा सा थोड़ा देखिए ज़्यादा ही है क्योंकि जिम आने का कारण है। उसके पास मसल्स अच्छी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 9:30 हो चुके हैं। और बताना व्लॉग कैसा लगा? वैसे तो हम काफ़ी टाइम बाद आए हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी थी ये स्ट्रेंथ, और मतलब आते रहे तो हम बहुत अच्छी हो जाएगी, वही पहले जैसी। जैसे पहले हम हैवी वेट मार लेते थे तो वही मार सकते हैं हम, तो कोई नहीं। आप बताना आपको व्लॉग कैसा लगा, और मेरी स्ट्रेंथ अभी भी वैसी है। वैसे 19-20 तो हो ही जाता है यार, देखो इतने सालों बाद जिम में आ रहे हैं। तो हम चलते हैं, जैसे कि हमारे साथ के भी आ चुके हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।